एक पुरानी कहावत है तिल का ताड़ बनाना, मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। यूपी बीजेपी के भीतर की खींचतान पर आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिसे देखकर यह अनुमान लगाना दूर की कौड़ी है कि आखिर लखनऊ में चल क्या रहा है। लेकिन आज एक तस्वीर आई, अलग अलग बयान आए, जिससे ये संकेत मजबूत हो रहे हैं कि सीएम योगी विवाद को समाधान वाली लाइन पर ले आए हैं। मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी। उत्तर प्रदेश में तेजी से बदलते सियासी सीन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वाक्य में बता दिया कि वो कॉन्फिडेंट भी हैं और उनका जलवा भी कायम है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान से पहले आई बीजेपी विधायक दल की बैठक की तस्वीरों ने भी बहुत कुछ बयान कर दिया था। मानसून सत्र से पहले हुई बैठक में बीच में बैठे योगी ने अपनी बाईं तरफ बैठे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से तो बात की, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से उनकी बातचीत की कोई तस्वीर नहीं दिखी। दावा किया जा रहा है कि यह पार्टी में सरकार बनाम संगठन वाली जंग का असर है, जिस पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने अब जाकर चुप्पी तोड़ी है। संगठन बड़ा है और संगठन के एजेंडे पर ही सरकारें चुनी जाती है। यही लाइन यूपी बीजेपी में तकरार की वजह बताई जा रही है और यही लाइन है जिसे 15 जुलाई से दोहराते आ रहे केशव मौर्य आज भी दोहरा गए। अच्छा है, हाँ यूपी में सब अच्छा है, सरकार में सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। कुछ संगठन बड़ा है आज भी कहेंगे आप? संगठन सदा बड़ा है, हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। कार्यकर्ताओं का संतोष उसका क्या होगा? भी बहुत बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य जब एबीपी न्यूज से ये बातें कह रहे थे तब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ ही कार में सवार थे। केशव मौर्य ने बयान रिन्यू किया तो तकरार की जिन खबरों पर आलाकमान के दखल के बाद धूल पड़ती हुई दिखाई दे रही थी उन्हें भी नया जीवन मिल गया। दोनों है ना उप मुख्यमंत्री, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लीडर नहीं चाहती ना बीजेपी की हमारे यहाँ पे कोई लीडरशिप पैदा हो, इन्होंने मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखा है तो हटेंगे। क्या दोनों डिप्टी सीएम किस तरह की एक्शन की बात आ रही है, ऐसी चर्चा है कोई एक्शन होगा, अनुशासनहीनता या कोई कार्रवाई? मुझे ऐसी जानकारी नहीं। भूपेंद्र चौधरी ने मुश्किल सवाल से बचने की कोशिश की लेकिन अगला तीर शिवपाल यादव ने दाग दिया। निशाने पर थे केशव प्रसाद मौर्य के बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं, ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर यह हमला बेमानी नहीं है। योगी से रिश्तों में दरार के खबरों के बीच केशव प्रसाद मौर्य विरोधियों पर लगातार हमले कर रहे, इसका मैसेज यह है कि वो पार्टी के वफादार सिपाही हैं, दूसरी तरफ वो यूपी में सरकार पर नौकरशाही को हावी बताते हैं, कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर आवाज उठाते रहे हैं। उनकी इस बात में संजय निषाद के बाद अब योगी सरकार के सहयोगी आरएलडी भी सुर मिला रही है। योगी आदित्यनाथ जी ब्यूरोक्रेट का विश्वास कुछ कम करके और अपने जनप्रतिनिधि, अपने संगठन के लोगों को विश्वास किया जाए, जो भी बातें नेताओं के खिलाफ रखते हैं उनको सही मानना, भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा बढ़ावा है। ब्यूरोक्रेट हावी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।